बिपरजॉय चक्रवात 15 जून की पूरी रात गुजरात को झकझोरता रहा। द्वारका और मोरबी में बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं। भावनगर में 2 लोगों की मौत भी हो गई। गुजरात में 940 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल है। सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज यानी 16 जून की दोपहर के बाद भी हवाओं की रफ्तार बनी रहेगी, हालांकि पहले से कुछ कम हो जाएगी। तूफान की वजह से अब तक 23 जानवरों की भी मौत की खबर सामने आई है। जिन इलाकों से तूफान गुजरा है वहां लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं। अब तक 500 से ज्यादा पेड़ गिरने की खबर सामने आई है। 22 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से इस चक्रवात को लेकर अपडेट लिया। उन्होंने फोन पर चक्रवात से प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी ली और जंगली जानवरों की सुरक्षा पर भी चिंतित रहे। उन्होंने गिर के जंगल में शेरों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी ली। बता दें, गुजरात में लैंडफॉल के बाद बिपरजॉय अब आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 15 जून की शाम 7 बजे चक्रवात गुजरात के तटों से टकराया और आधी रात के बाद इसकी तीव्रता काफी ज्यादा रही। राज्य में 2 लोगों की तूफान के चलते मौत हो गई है। बकरियों को बचाने के चक्कर में भावनगर में एक पिता पुत्र की मौत हो गई। गांधीनगर जिले में तूफान से 23 पशुओं की मृत्यु हो गई। यहां 940 गांवों में बिजली नहीं है। गांधीनगर में तूफान के चलते 22 लोग घायल भी हुए हैं। मोरबी में 300 से ज्यादा बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहां के 45 गांवों में बिजली नहीं है। आज भी सौराष्ट्र में बारिश जारी रहने के आसार हैं। दक्षिण राजस्थान में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ये 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर चक्रवात बिपरजॉय का असर दिख रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।